मॉर्निंग टू ऑल। टुडे हम जो भोली चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। हमने प्रीवियस इंसिडेंट्स को आपस में डिस्कस कर लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि यू हैव गॉट माय पॉइंट। आपको पता चल गया है कि व्हाट इंसिडेंट्स आर गोइंग ऑन इन द स्टोरी। अब उस विलेज का कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुका है, दैट हैज बिकम ए टाउन नाउ, और स्कूल का स्टैंडर्ड भी अपग्रेडेड हो गया है। और विशंबरनाथ का प्रपोजल, उसके पेरेंट्स, द पेरेंट्स ऑफ भोली वर रेडी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ विशंबरनाथ। भोली वाज आल्सो रेडी फॉर दैट ओनली फॉर द प्रेस्टीज, ऑनर एंड रेस्पेक्ट ऑफ हर पेरेंट्स। द डे ऑफ द मैरिज केम एंड द मैरिज पार्टी केम इन ए ग्रैंड प्रोसेशन, बिकॉज विशंबरनाथ वॉज ए वेल डू ग्रोसर। विशंबरनाथ एक रिच पर्सन था, तो उसका जो मैरिज पार्टी का जो प्रोसेशन था, बारात जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही शानदार था। रामलाल जो कि भोली के फादर थे, उन्होंने भी प्राइड फील किया कि कितनी शानदार बारात आ रही है। एट द वेरी डे ऑफ द मैरिज, जब लास्ट मोमेंट उसका आया, वैन द गर्ल वॉज अबाउट टू गार्लैंड द ब्राइड ग्रूम, जब दुल्हन दूल्हे को माला पहनाने वाली थी, विशंबरनाथ नोटिस्ड द पॉक मार्क्स ऑफ द भोली, सॉरी ऑफ भोली। भोली के चेहरे के जो पॉक मार्क्स थे उसको उसने नोटिस कर लिया, एंड ही रिफ्यूज टू मैरी द गर्ल, और उसने उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया। He demanded 5,000 rupees as a dowry for marriage. Marriage के लिए उसने डाउरी के रूप में 5,000 rupees मांगे विशंबरनाथ ने भोली के फादर से। भोली's father made several requested. He also told about his prestige. उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो इज्जत है गांव में वो खत्म हो जाएंगी, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, शादी के लिए रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं, डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं। एट लास्ट रामलाल वॉज रेडी टू गिव 5,000 रुपीज एज ए डाउरी। एट लास्ट रामलाल तैयार हो गए 5,000 रुपीज विशंबरनाथ को डाउरी के रूप में देने के लिए। एट द वेरी मोमेंट ए स्ट्रेंज थिंग टुक प्लेस, एक स्ट्रेंज थिंग टुक प्लेस हुई। भोली थ्रू द गार्लैंड, भोली के हाथ में जो माला थी उसने उसको फेंक दिया, एंड दिस टाइम शी रिफ्यूज्ड फ्रॉम द मैरिज, उसने शादी से मना कर दिया कि आई वुड नॉट मैरी टू सच मीन एंड ग्रीडी पर्सन, इस प्रकार के लालची और नीच पर्सन से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। एंड शी स्पोक एवरी वर्ड इन क्लियर वॉइस without stammering and stammer, जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल भी stammer नहीं हुई, उसने बिल्कुल भी stammer नहीं किया, बिल्कुल भी वो हकलाई नहीं, and she said everything in the clear voice, और clear voice में उसने सब कुछ बोला। Everybody was shocked and surprised at the behavior, at the strange behavior of the girl, सभी के सभी शॉक्ड और सरप्राइज हो गए भोली के बिहेवियर पर। ओके, एंड सम ऑफ देम कर्स्ड हर आल्सो, और कुछ ने तो उसको कर्स भी किया कि कैसी लड़की है, कैसा बिहेवियर शो कर रही। बट भोली डिनाइड, भोली डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ द मैरिज, एंड एट लास्ट विशंबरनाथ हैड टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड विदाउट एनी ब्राइड, और लास्ट में विशंबरनाथ को वहां से लौटना पड़ा। एंड भोली टोल्ड हर पेरेंट्स दैट फादर एंड मदर डोंट वरी अबाउट मी, आई वुड टीच इन द स्कूल वेयर आई गॉट माय ऑल माय एजुकेशन, कि मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने ये सब कुछ सीखा है, जहां मैंने अपनी एजुकेशन को गेट किया है, वेयर आई गॉट द कॉन्फिडेंस, वेयर आई गॉट द करेज, वेयर आई गॉट द डिटरमिनेशन, जहां मैंने करेज डिटरमिनेशन को कॉन्फिडेंस को गेट किया, एंड आई वुड सर्व यू इन द ओल्ड एज, और बुढ़ापे में मैं पेरेंट्स आपकी सर्व करूंगी, सेवा करूंगी।
तो इस प्रकार ये जो एपिसोड था वो खत्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर कल डिस्कस करें।